मोटेगांव में बीते दिनों संचालित हुए सहयोग क्रीड़ा मंडल 2021 जिसका संचालन 20 जनवरी से 23 जनवरी तक कार्यक्रम जारी रहा। इसमें प्रदेश स्तर तक की बड़ी हस्तियों के अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए थे। ऑल इंडिया प्रो कबड्डी टूर्नामेंट के इस 38वें सीजन गोटेगांव में खेल के दौरान खिलाड़ी सुमित को बाह में चोट आई थी, जिसे जल्द ही गोटेगांव से दिल्ली के अपेक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन में 1,00,000 रुपए का खर्च बताया, जिसका पूरा भुगतान केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और विधायक जालम सिंह पटेल के द्वारा किया गया। खिलाड़ी सुमित आज अपने घर पहुंचा, परिवार के सभी सदस्य बहुत खुश हुए। वहीं खिलाड़ी के घर फोन कर हाल जाना तो दोस्तों और परिवार के लोगों ने खिलाड़ी सुमित का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि खेल के दौरान तो चोट लगती रहती है। परिवार के सभी सदस्यों ने मंत्री और विधायक के साथ युवा नेता मणि नागेंद्र सिंह का धन्यवाद किया। सुमित कुमार वहाँ गोटे गांव खेलते हुए चोट ग्रस्त हो गया था और मैं ये जो आपसे चर्चा कर रहा हूँ ये इसी बात के लिए चर्चा कर रहा हूँ कि जो गोटे गांव में हमारा चोट लगने के बाद जो उन्होंने हमारी व्यवस्था की, हमारे बच्चे के लिए जो उन्होंने व्यवस्था की, उसका धन्यवाद करने के लिए कि इस लड़के की तरफ से कि इसका पूरा का पूरा इतना ध्यान किया गया, इतना तो हम अपने घर पर भी नहीं कर पाते। और जैसे इसको चोट लगी, चोट लगने के बाद हमारे जो मोनू भैया जी हैं जिनके सानिध्य में वो प्रतियोगिता फल फूल रही है, उन्होंने अपनी गाड़ी से जबलपुर, जो कि बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, जानदार हॉस्पिटल है, वहाँ उन्होंने अपनी गाड़ी से भिजवाया। वहाँ व्यवस्था ना होने की वजह से कोई अच्छी, फिर उन्होंने दिल्ली की व्यवस्था करवाई और दिल्ली अपेक्स हॉस्पिटल में डॉक्टर ईश्वर सिंह जी के सानिध्य में हमारे इस लड़के का ऑपरेशन हुआ और सारा का सारा खर्चा सहयोग क्रीड़ा मंडल गोटेगांव की तरफ से उन्होंने अपने खर्चे से इसका सारी व्यवस्थाएं करवाई। मैं बार बार उनका धन्यवाद करता हूं। तो खेल के दौरान गंभीर चोट आई, उसको तत्काल सम्मानी मुन्ना भैया जी ने अपनी गाड़ी से जबलपुर जामदार हॉस्पिटल में भिजवाया। वहां पर उसका प्रथम उपचार एक्सरे हुआ। एक्सरे के दौरान यह पता चला कि उस खिलाड़ी की जो चोट है वो गंभीर है, तो वहाँ पर डॉक्टरों की सलाह से उसको दिल्ली अपेक्स हॉस्पिटल भिजवाया गया, जहां पर सम्मानी भाई साहब जी के पीए ने संपूर्ण इलाज की व्यवस्था अपेक्स हॉस्पिटल में की। और जो खर्च आया वह सहयोग क्रीड़ा मंडल बहन कर रहा है। आज वह खिलाड़ी उपचार कराकर घर चला गया है। यह एक टूर्नामेंट की परंपरा रही है। पिछले साल भी खेल के दौरान एक खिलाड़ी का मोबाइल ग्राउंड पर गुम गया था, उसकी व्यवस्था तुरंत तत्कालीन स्थायी समिति के अध्यक्ष मणि नागेंद्र सिंह जी पटेल मोनू भैया ने तुरंत उसी कंपनी का मोबाइल क्रय कर उस खिलाड़ी को प्रदान किया। टूर्नामेंट समिति हर समय खिलाड़ियों के चाहे रुकने के हो, चाहे भोजन का हो, चाहे अन्य सुविधा हो, इसके लिए हर समय तत्पर रहता है। संभाग ब्यूरो आशीष साहू की खास रिपोर्ट।